हेलो एवरीवन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्टेंस रिले जिसको डिस्टेंस और इम्पिडेंस रिले दोनों के नाम से जाना जाता है और दूसरा चीज डिस्कशन करेंगे हम लोग डिफरेंशियल रिले तो जैसा कि इसका नाम है क्या डिस्टेंस रिले है ना तो ये रिले तब काम करता है पहली बात तो रिले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी बहुत सारे रिले के बारे में डिस्कशन किया है जब भी फॉल्ट आता है रिले क्या करता है एक ट्रिपिंग कमांड देता है और ट्रिपिंग सिग्नल देता है किसको आपके सर्किट ब्रेकर को कि सर्किट को वो क्या कर दे ब्रेक कर दे है ना सर्किट को वो क्या कर दे ब्रेक कर दे अभी यहाँ पे कंडीशन है क्या डिस्टेंस की है ना तो रिले द रिले हुज वर्किंग डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द फॉल्टी सेक्शन एंड द पोजीशन ऑन विच रिले इंस्टॉल्ड है ना आ, कहां से कहां तक रिले जिसका डिस्टेंस जो डिपेंड करे कौन से डिस्टेंस पे फॉल्टी सेक्शन से लेकर के उस पोजीशन तक जहां तक रिले मेरा इंस्टॉल्ड है जहां पे मेरा रिले इंस्टॉल्ड है है ना तो उस डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगा जहां पे फॉल्ट आया है और जहां पे रिले मेरा इंस्टॉल्ड है उसकी डिस्टेंस पे ये रिले क्या करेगा वर्क करेगा है ना तो ये कहानी है इसकी अब दूसरी बात कि ये कौन सा कंट्रोल रिले है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। है ओके मेजर द इम्पिडेंस क्या करता है रिले इंपिडेंस को मेजर करता है क्वेश्चन इंपीडेंस को मेजर करता है इसलिए इसको डिस्टेंस रिले भी बोलते हैं और इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं है ना इम्पीडेंस को मेजर करता है किसके फॉल्टी पॉइंट ऑफ द फॉल्टी पॉइंट इफ द इम्पीडेंस इज लेस देन द इम्पीडेंस ऑफ रिले सेटिंग इट्स गिव्स द ट्रिपिंग कमांड ठीक अगर अब मान लीजिए मैंने रिले में जो रिले मैंने लगाया है उस रिले में पहले से सेट है कि इसका इम्पीडेंस होना चाहिए 5 अब इसने मेजर किया इस डिस्टेंस के इंपीडेंस को और इंपीडेंस आ गया कितना चार तो इस 5 से मेरा चार क्या है क्या है कम है तो ये मेरा रिले क्या करेगा ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा यही यहां पे बोला गया है नेक्स्ट बोल रहा है कि द इंपीडेंस रिले कंटीन्यूअसली मॉनिटर द लाइन करंट एंड द वोल्टेज फ्लो थ्रू द सीटी एंड पीटी क्या करता है वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर करता है ओके okay. तो यहां पे हो गई वोल्टेज और करंट की बात ठीक तो रि रिले क्या करेगा कंटिन्यूसली वोल्टेज और करंट को क्या करेगा मेजर करेगा है ना अब अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो क्योंकि कॉमन सी बात है अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, V इक्वल टू आई आर देन आर दैट मीन्स वी बाई आई आर है मेरा रेजिस्टेंस अगर एसी में चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा इम्पिडेंस है ना तो इम्पिडेंस जो है वो कॉमन सी बात है वोल्टेज और करंट का क्या होता है रेशियो होता है अब इसमें जो कहानी है इसमें होता क्या है कॉमन सी बात है अगर हम लोग इम्पिडेंस की बात करें V बाई आई की बात करें है ना अगर ये जेड है ठीक तो I जो है मेरा जेड के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है है ना तो अगर मेरा आई की वैल्यू बढ़ेगी है ना तो जेड की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज करेगी कॉमन सी बात है है ना आई की वैल्यू बढ़ेगी तो जेट की वैल्यू डिक्रीज करेगी और आई की वैल्यू कब बढ़ेगी कॉमन सी बात है है की की वैल्यू वैल्यू तभी बढ़ेगी बढ़ेगी जब जब सिस्टम में आएगा. है ना? जब सिस्टम में में फॉल्ट फॉल्ट आएगा आएगा ना तब I की अगर हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में वी की वैल्यू आई की वैल्यू से क्या होती है ज्यादा होती है कॉमन सी बात है है ना लेकिन जब फॉल्ट आता है तो क्या होगा जब फॉल्ट आएगा तो V की वैल्यू कम हो जाएगी और I की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ठीक जैसे ही V बाई आई में I की वैल्यू बढ़ेगी z की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी घट जाएगी और इसी z की वैल्यू पे क्या डिपेंड करता है मेरा रिले का ऑपरेशन डिपेंड करता है किस रिले का डिस्टेंस रिले का अगर z डिक्रीज करेगा प्रीसेट वैल्यू से मान लीजिए हमने पहले से रिले पे सेट करके रखा है z की वैल्यू पांच होनी चाहिए है ना अब प्रीसेट वैल्यू से जैसे ही मेरा जेड डिक्रीज करेगा मतलब 4.9 हो गया 5 से तो मेरा रिले ऑपरेट करना स्टार्ट कर जाएगा अब इसमें दो अलग-अलग कॉइल्स होती हैं एक होती है वोल्टेज की और एक होती है करंट की है ना दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ठीक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये क्या होगा ओपन रहेगा है ना जैसे ही मान लीजिए ये वोल्टेज का है ये करंट का है जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ी ये खत्म होगा और ये क्लोज हो जाएगा मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा आगे हम देखते हैं फिगर्स में डायग्राम्स में वो कैसे काम करता है नेक्स्ट अगर हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं एक है करंट के लिए और एक है वोल्टेज के लिए और तीसरा होगा क्या स्प्रिंग के लिए तो जो टोटल टॉर्क होगा सिस्टम का वो टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा टॉर्क इक्वल्स टू के वन आई स्क्वायर किसका है ये करेंट क्वाल के कारण जो टॉर्क लग रहा माइनस है ना क्योंकि करेंट कॉयल क्या है वही मेरी क्या है ऑपरेटिंग है है ना क्या हम लोग बोल सकते हैं री स्ट्रेनिंग मेरी वोल्टेज की कॉयल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग और उसके कारण जो टॉर्क डेवलप होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसके कारण जो टॉर्क डेवलप होता है उसको बोलते हैं क्या री स्टोरिंग टॉर्क ठीक तो रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जैसे ही रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता है मेरा रिले ऑपरेट कर जाता है ठीक तो यहां पे वही दिखाया गया है कि पहली बात जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वह के वन आई स्क्वायर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो क्या है आपका के टू वी स्क्वायर और जो स्प्रिंग के कारण जो लग रहा है वो है क्या के थ्री तो के वन आई स्क्वायर में से अगर ये दोनों हम लोग माइनस कर दे जो कि क्या है एक वोल्टेज के कारण और स्प्रिंग के कारण तो हमको टोटल टॉर्क मिल जाएगा ठीक लेकिन अब ऐसे कंडीशन में जब नेट टॉर्क जीरो होता है तो मेरा रिले ऑपरेट नहीं करता है, मतलब जो है वो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा इक्वल होगा है ना तो वही चीज यहां पे कर दी गई है के वन वी स्क्वायर इक्वल टू के वन आई स्क्वायर माइनस के थ्री ओके नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से जेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जेड अगर हमको चाहिए तो जेड के, के, के लिए हमको क्या चाहिए होगा वी वाई आई का रेशियो तो वी वाई आई का रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट को के यहाँ पे हम कर सकते हैं आपका जैसे ये आ रहा है आपका के वन बाई के टू तो इसको हम लोग के टू आई स्क्वायर से हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को के टू आई स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो के टू से के टू कैंसिल पहले वाले एलिमेंट में V square by I square आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पे भी आएगा K1, sorry, K2 I square, तो से कैंसिल बचेगा क्या के वन बाई के टू नेक्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा के थ्री के थ्री डिवाइडेड बाई के टू आई स्क्वायर जो कि यहाँ पे दिखाया गया अब इसका जो स्क्वायर है अगर हम हटाएंगे तो इधर पे क्या आ जाएगा आपका

जब फॉल्ट नहीं आया था जब फॉल्ट नहीं आया था तो जेट की वैल्यू क्या थी ये थी जैसे फॉल्ट आ गया जेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई और मेरा जो इम्पिडेंस रिले है और आपका बोल सकते हो डिस्टेंस रिले वो ऑपरेट करेगा तो यहां पे देखो इम्पिडेंस रिले जो है वो आपका दो अलग अलग वैल्यूज ले रहा है सिस्टम से एक ले रहा है सी के थ्रू और एक ले रहा है पी के थ्रू ये दोनों वैल्यू क्या करेगा वी बाई को कि क्या करेगा वी बाई की वैल्यू मेजर करेगा और वी बाई की वैल्यू से इस इंपिडेंस रिले में जेट की वैल्यू कैलकुलेट होगी जेट की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट होगी तो पांच तीन पांच से क्या है कम है है ना कम है कि नहीं है तो तीन जो पांच से कम होगा तो तुरंत ये इंपिडेंस रिले क्या कर जाएगा ऑपरेट कर जाएगा इसके बाद ये ग्राफ दिखाया गया है यहां पे दो अलग अलग टॉर्क रीजन दिखाए गए हैं जब फॉल्ट जेड एफ जेड एफ जे की वैल्यू जो एक्चुअल जेड जो प्रीसेट वैल्यू होती है उससे कम होती है तो उसको बोलते हैं क्या पॉजिटिव टॉर्क रीजन ठीक जैसे ही यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है उसको बोलते हैं क्या पॉजिटिव टॉर्क रीजन जैसे ही जेड एफ की वैल्यू जेड से ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्या निगेटिव टॉर्क रीजन तो पॉजिटिव टॉर्क रीजन में मेरा रिले ऑपरेट करता है और निगेटिव टॉर्क रीजन में ऑपरेट नहीं करता ठीक ये है मेरा ऑपरेटिंग का कर्व जहां पे वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व बनाया गया है है ना तो ये मेरा जब रिले एकदम कांस्टेंट रहेगा जब कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो ये कंडीशन होगा जब रिले ऑपरेट करेगा तो ये इस जोन में ऑपरेट करेगा जब रिले ठीक तो ये आपको शो किया गया है वो आप यहां से बना सकते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंडक्शन रिले है ठीक तो ये कैसे ऑपरेट करेगा है ना आ, जो आपका जो आपका डिस्टेंस रिले है उसी को उसी का ये वर्जन है ठीक तो आ, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो अलग अलग चीजें थी जो कि कैलकुलेट की जा रही थी करंट और वोल्टेज तो वहां पे यहाँ पे भी वही चीजें की जा रही हैं आप अगर ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में तो आपको दिखेगा देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीजें लगी हैं एक लगा है पीटी और एक यहाँ पे लगा है क्या सीटी ये मेरा है क्या आपका सर्किट है ना ये मेरा है वायर जिस वायर में करंट फ्लो कर रही है है ना तो इस वायर में करंट फ्लो कर रही है तो इस वायर से डायरेक्ट एक पीटी लगा दिया गया है और पीटी को पीटी कनेक्टेड है किसके साथ सोलिनॉइड बी के साथ और मेरा जो सीटी है सीटी का जो सेकेंडरी है ये किसके साथ कनेक्टेड है आपका सोलिनॉइड ए के साथ है ना ध्यान से देखेंगे पीटी सोलिनॉइड बी के साथ सीटी सोलिनॉइड ए के साथ ठीक यहां पे लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर जिसको सिंगल कौन देगा आपका रिले ये जो रिले के कॉन्टैक्ट है तो रिले के कॉन्टैक्ट इस तरह है, अभी क्या है नॉर्मली ओपन है क्या है normally open है नॉर्मली ओपन मतलब दो चीजें होती हैं रिले में एक होता है एनओ NO, और दूसरा होता है क्या एनसी या तो नॉर्मली ओपन रहेंगे या तो नॉर्मली कनेक्टेड रहेंगे अभी जो केस है वो क्या है नॉर्मली ओपन है मतलब अभी भी कभी कोई भी फॉल्ट नहीं आया है ठीक तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो पीटी है वो किसके साथ कनेक्टेड है सोलिनॉइड बी के साथ सोलिनॉइड बी क्या करेगा इसको ऊपर नीचे मूव करेगा जो प्लंजर पीटू है यहाँ पे जो प्लजर पीटू है उसको डाउनवर्ड मूव करेगा ठीक तो जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव होगा ये अपवर्ड मूव हो जाएगा है ना ऑब्वियसली प्लंजर पी टू हमेशा किधर की तरफ मूव होगा डाउनवर्ड मूव होगा ठीक उसी तरह आपका जो सोलिनॉइड ए है अब देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे अगर आप तो पीटी कनेक्टेड है सोलिनोइड बी से सोलिनोइड मूव करेगा किधर तरफ डाउनवर्ड और क्योंकि यहां पे जो टॉर्क लगेगा वो होगा क्या के टू वी स्क्वायर कॉमन सी बात है क्योंकि वोल्टेज के कारण लग रहा है और इसको बोलेंगे कौन सा फोर्स रीस्ट्रेनिंग फोर्स बाई स्प्रिंग है ना डेवलप द मैकेनिकल टॉर्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैकेनिकल टॉर्क को क्या करेगा डेवलप करेगा नेक्स्ट जो है केस वो सीटी है जो कि सोलेनोइड ए में लगा हुआ है वो क्या करेगा प्लंजर पी वन को नीचे की तरफ मूव करेगा ये भी नीचे की तरफ मूव करेगा ठीक जो कि डेवलप करेगा आपका क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और उसको बोल सकते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क रीस्टोरिंग रीस्ट ठीक है और इसका जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो क्या होगा k1 i2 क्योंकि ये करंट के कारण डेवलप हो रहा है है ना अब ये रिले तभी ऑपरेट करेगा आपका जब k1 i2 k2 v2 से बड़ा हो जाए है ना तो ये कब होगा ये तो तभी होगा ना जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी है ना करंट की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब वहाँ पे फॉल्ट आएगा तो k1 i2 k2 v2 से तभी बड़ा होगा जब फॉल्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो v i यहाँ से हम v i निकाल सकते हैं कि ये वाले इक्वेशन से k1 i2 इज ग्रेटर देन k2 v2 तो v i निकलेगा व्हिच इज लेस देन जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है है ना तो जेड इक्वल्स टू क्या है आपका अंडर रूट के वन बाई के टू जैसे ही उसके लेस देन होगा जो आपका प्रीसेट वैल्यू है जैसे उसका लेस देन होगा ये मेरा ऑपरेट कर जाएगा और ये जो एनो NO था मतलब अभी कनेक्टेड नहीं था ये एक दूसरे से जाके कनेक्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पे होगा जैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट होगा मेरे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिल जाएगा है ना तो ये जनरली प्लंजर पी वन और प्लंजर पी वन और पी टू जो है वो के वन आई स्क्वायर और के टू वी स्क्वायर को जब नॉर्मल कंडीशन है तो वो क्या करके रख रहे हैं इक्वल करके रख रहे हैं है ना जैसे ही मेरा फॉल्ट आया के वन आई स्क्वायर क्या हो गया क्या हो गया के वन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई और के टू वी स्क्वायर की वैल्यू घट गई है ना मतलब ये सॉलिनोइड क्या होगा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और इसकी वैल्यू घट जाएगी और ये मेरा जो प्लंजर है यहां से इसको कनेक्ट कर देगा

तो अब अगर हम मान लें कि मेरे पास एक सिस्टम है कोई एक सिस्टम है है ना तो ऑब्वियसली उस सिस्टम में हम सप्लाई देंगे है ना? इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ठीक है तो उसमें सप्लाई देंगे और उसका एक आउटपुट भी होगा कॉमन सी बात है तो जितनी करंट हमने दी उतनी करंट अगर निकल रही है तब तो ठीक है ना अब मान लीजिए अंदर में कोई फॉल्ट आ गया कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया है ना या कोई मान लीजिए जो मेरी सर्किट है वो बॉडी के साथ कनेक्ट हो जा रही है है ना तो वो आप तो करंट दे रहे हैं मान लीजिए पांच एम्पियर लेकिन हमको आउटपुट में मिल रही है क्या फाइव पॉइंट टू एम्पियर तो पॉइंट टू एम्पियर कहाँ जा रही है पॉइंट टू एम्पियर कही न कहीं ना कहीं लॉस हो रही है या बॉडी में कनेक्ट हो जा रहा है या कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जा रहा है ठीक तो ऐसे कंडीशन में जब इनपुट और आउटपुट की वैल्यू बराबर ना हो तब मेरा डिफरेंशियल रिले काम करता है है ना? देखिए पे लिखा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ठीक है तो ये कंपैरिजन पे क्या करता है वर्क करता है कि इनपुट और आउटपुट की वैल्यू क्या है अब अगर हम मान ले फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि हम इनपुट और आउटपुट करेंट का क्या कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में क्या कर रहे हैं कर रहे हैं इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट करेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन द आउटपुट करेंट दैट मीन्स द एडिशनल करेंट फ्लो थ्रो इट बिकॉज ऑफ फॉल्ट कॉमन सी बात है अगर आउटपुट करेंट से इनपुट करेंट क्या हो गई ज्यादा हो गई दैट मीन्स उसमें क्या हो रहा है आपका एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रही है और ये किसके कारण फ्लो करेगी कॉमन सी बात है फॉल्ट के कारण फ्लो करेगी अब जो डिफरेंस होगा द डिफरेंस इन द करेंट कैन ऑपरेट द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रेल तो जो डिफरेंस वहां पे पैदा हुआ वही डिफरेंस आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले है उसको ऑपरेट कराएगा अब जो आ, अगर ऐसी चीज़ है अगर आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहीं पे लगाना है तो वहां पे दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहली बात कि ऐसे कंडीशन में ही लगाया जा सकता है जहां पे एक जैसी दो क्वांटिटीज अवेलेबल हो जैसे फेजेस अवेलेबल हो ठीक है दो अलग अलग फेज अवेलेबल हो है ना जैसे आर वाई बी होता है थ्री फेज होता है टू फेज भी हो सकता है वहां पे भी लगा सकते हैं सिंगल फेज में आप यूज नहीं कर पाएंगे द क्वांटिटीज हैव द फेज डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली वन डिग्री कम से कम 180 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और ये जो डिफरेंशियल रिले का प्रोटेक्शन है उसको हम जनरेटर ट्रांसफार्मर फीडर मोटर बस बार कहीं भी लगा सकते हैं है ना तो जनरली uh, ये इनपुट और आउटपुट को मेजर करता है जैसे ही उसमें कोई डिफरेंस आता है ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में यही पढ़ने वाले हैं आपका जो जनरेटर प्रोटेक्शन होगा ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन होगा सब में आपका कहीं ना कहीं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है और ये इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग देखते हैं यहां पे सबसे पहले तो ये आपको एक सर्किट दिखाई गई है इस सर्किट में क्या है ये आपका एक वायर है और ये मेरा जो एलिमेंट है मान लेते हैं ये मेरा कोई एक एलिमेंट है जिसको हमको क्या करना है प्रोटेक्ट करना है यहां से हम इनपुट दे रहे हैं यहां से आउटपुट मिल रहा है ठीक तो जैसे ही इसमें मान लीजिए करंट गई और इधर से करंट निकली कौन सी बात है है ना तो यहां पे एक सीटी लगा दिया हमने यहां पे एक सीटी लगा दिया यही प्रोसेस ही है हमेशा याद रखना है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का ये प्रोसेस है एक सीटी आप इनपुट में लगा दो एक सीटी आप आउटपुट में लगा दो है ना जैसे ही आप सीटी लगाओगे सीटी क्या करेगा करंट की वैल्यू मेजर करना स्टार्ट कर देगा करंट की वैल्यू जैसे ही ये मेजर करेगा ये देखिए यही सीटी का यहाँ पे ये वायर इसके साथ कनेक्टेड है और दोनों सीटी कनेक्टेड है एक दूसरे से पैरेलली ठीक है तो जैसे दोनों सीटी कनेक्टेड है पैरेलली है ना अब क्योंकि करंट सेम है कॉमन सी बात है करंट सेम है तो करंट अगर सेम है तो क्या इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगी क्योंकि मान लीजिए अगर नॉर्मल कंडीशन है तो जो करंट यहां से आ रही है वही करंट यहां पे भी आएगी है ना तो ये करंट सीधे निकल जाएगी इस ब्रांच में फुल फ्लो करने का जरूरत ही नहीं है ठीक है ऐसे तो फ्लो नहीं करेगा ना ये जो करंट इसमें आई वही करंट इसमें भी है तो ये ऐसे फ्लो करेगा ठीक है लेकिन इस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा कॉमन सी बात है एक एक डायग्राम और दिखाता हूं मैं बेटे सेकेंड देखिए ये वाला है ना जैसे मान लीजिए कि हमने इस प्रोटेक्श इस जोन को प्रोटेक्ट करना है ये अल्टरनेटर है या कोई मेरा जनरेटर है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है तो दोनों साइड हम लोग इनपुट और आउटपुट में हमने क्या लगा दिया सीटी लगा दिया ठीक यहाँ पे भी सीटी यहाँ पे भी सीटी ठीक क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रही है कोई फॉल्ट नहीं है तो पांच एम्पियर इधर से भी आएगा पांच एम्पियर इधर से भी निकलेगा कॉमन सी बात है तो पांच एम्पियर जब घूमेगा तो ये पांच एम्पियर इधर से निकल के यहां पे पहुंच जाएगा इस ब्रांच में नहीं जाएगा लेकिन जब फॉल्ट आएगा मान लीजिए कोई फॉल्ट आ गया है ना सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया तो I1 हम दे रहे हैं लेकिन निकल रहा है I2 तो ऐसे कंडीशन में ये वाला जो ब्रांच है आपका जो रिले की ऑपरेटिंग क्वाइल यहाँ पे लगाई गई है इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा मेरा रिले का ऑपरेटिंग क्वाइल इसी के साथ क्या कर दिया गया है कनेक्ट कर दिया गया है है ना जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा रिले की ऑपरेटिंग क्वाइल फ्लो करेगा और रिले मेरा एक्टिवेट हो जाएगा बस यही कहानी है इसकी है ना अगर करंट सेम है तो उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी अगर करंट डिफरेंट डिफरेंट हो गई तो वहां पे करंट फ्लो करेगी और मेरा रिले क्या कर जाएगा ऑपरेट करना स्टार्ट कर जाएगा ठीक तो यहाँ पे वही लिखा रिले विच सेंस द ऑपरेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंटरिंग इन टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड द करेंट लीविंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिले ठीक तो यही आपको इसमें बताया गया है इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले नेक्स्ट उसी का एक इंडक्शन टाइप डिफरेंशियल रिले है बाइस रिले है इंडक्शन टाइप तो इसमें भी वही करते हैं हम लोग जो रीस्ट्रेनिंग एलिमेंट है उसको एक साइड और ऑपरेटिंग एलिमेंट को एक साइड लगा देते हैं है ना तो ये दोनों के कारण जैसे ही ये दोनों की वैल्यू क्या करती है डिफर करती है मान लीजिए हमने इनपुट में ये लगा दिया आउटपुट में ये लगा दिया ठीक जब तक दोनों की वैल्यू सेम है है ना तब तक ये जो डिस्क है वो रोटेट नहीं करेगा जैसे ही एक की वैल्यू डिफर की ये डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि दो अलग अलग ईडी करेंट्स बनेंगी वहां पे है ना तो जैसे ये डिस्क रोटेट करेगा एक ट्रिप सिग्नल वहां पे जाके कनेक्ट हो जाएगा और मेरा रिले क्या कर जाएगा ऑपरेट कर जाएगा ठीक तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी डिफरेंशियल रिले की इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आगे हमको जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं सब इसी पे बेस्ड है ठीक है सो so, आज के लेक्चर में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट वीडियो ऑन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Thank you so much.